सो दोस्तों, आज हम विजिट करेंगे मॉनेस्ट्रीज और पैलेसेस जो कि ले सिटी के बाहर है। तो बने रहिए इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं से पैलेस। ये हमारा पहला लोकेशन है जहां पे आज हम विजिट करने निकले हैं। उसके बाद हम आज दिन भर मॉनेस्ट्रीज और बाकी प्लेसेस चेकआउट करेंगे नियर बाई ले। तो अभी दिखाते हैं आपको से पैलेस और बाकी की जगह। तो बने रहिए वीडियो में। से पैलेस का निर्माण 17 सेंचुरी में हुआ था बाय किंग डेल्डन नेमग्याल। उन्होंने अपने फादर सेंगे नेमग्याल की मेमोरी में ये पैलेस बनाया था, जिसका नाम से विलेज से आया, जो कि सामने आप देख पा रहे हैं। और से का मीनिंग होता है मिरर, और ये जो लेक है वो एज ए मिरर रिफ्लेक्शन दिखाती है सराउंडिंग एरियाज का। 19th सेंचुरी में जब जम्मू के डोगरा फोर्सेस ने लद्दाख में अटैक किया था रॉयल फैमिली पे, तो उस समय यहाँ की जो रॉयल फैमिली थे वो स्टॉक पैलेस मूव हो गए थे, जो कि आने वाले वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे। इस मॉनेस्ट्री का जो टिकट है वो 30 रुपीस है। ये 3-स्टोरी बिल्डिंग है। लोअर फ्लोर जो कि सामने जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अभी दरवाज़ा बंद है, बट यहाँ पे 12 मीटर की शाक्यमुनि बुद्धा की एक स्टैचू है। उनके पाँव के जो दर्शन है वो आप लोअर फ्लोर से कर सकते हैं। और ये जो प्रेयर व्हील्स हैं जिसको आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं, उसको आप घुमाते हुए मॉनेस्ट्री का सर्कल लगाएंगे हम लोग। यहाँ से रास्ता है अपर श्राइन के लिए। काफी ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री है ये। सैप पैलेस को अभी मॉनेस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो मॉन्क्स वगैरह भी यहाँ पे रहते हैं। और ये बैक साइड का व्यू आप मॉनेस्ट्री से देख सकते हैं। आपको हो सकता है शांति स्तूपा भी दिखे सामने, और ये ले सिटी का व्यू यहाँ से आता है। और ये कुछ रॉक्स वगैरह हैं जिसमें लद्दाखी लैंग्वेज में लिखा गया है। काफी ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री है, काफी कलरफुल भी है। और यहाँ से मॉनेस्ट्री के अंदर जाने का रास्ता है, जो कि सीधा हमको मॉनेस्ट्री के 3rd फ्लोर पे लेके जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि 3-स्टोरी बिल्डिंग है। लोअर फ्लोर में बुद्धा जी के पांव आप चूँकि ब्लेसिंग ले सकते हैं। अपर फ्लोर में उनका फेस आपको भी हम दिखाएंगे। मॉनेस्ट्री के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पे बटर लैम्प जैसे आप देख पा रहे हैं, बटर लैम्प्स भी हैं 4 प्लेयर्स। ये अपर फ्लोर है और ये खूबसूरत साक्यमुनि बुद्धा की जो स्टैचू है देख पा रहे हैं, फेस बहुत ही सुंदर बनाया है। यहाँ पे वॉल पेंटिंग्स आप देखिए बहुत ही बढ़िया है। नेचुरल कलर से जो पेंटिंग्स बनी है। और ये जैसे आप स्टैचू देख पा रहे हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज
पेंटिंग्स एंजॉय करते हुए। ये है बुद्धा जी का फेस सामने से। ये जो स्टैचू है एक कॉपर का बना है जिसके ऊपर गोल्ड पेंट किया गया है। यहाँ पे दो बड़े फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, एक है शे रुपला जो कि हार्वेस्टिंग सीजन में होता है और दूसरा शे डूलो जो कि समर सीजन होता है अराउंड जुलाई। तो अगर आप फेस्टिवल्स अटेंड करना चाहते हैं तो एडवांस में प्लान कर सकते हैं। से पैलेस अराउंड 15 किलोमीटर है ली सिटी से। सो मॉर्निंग में निकले थे, आप चाहें तो किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड से आ सकते हैं, बस बाइक या कैब। पार्किंग इसके नीचे है और ये व्यू है से विलेज का। अभी हम बाकी मॉनेस्ट्रीज भी आपको विजिट कराएंगे तो वो भी आगे इसी रास्ते पे हैं। सबसे पहले हमने से पैलेस आता है आप ले सिटी से जब आते हैं, उसके बाद अभी हम आपको थिक्से मॉनेस्ट्री, हेमिस मॉनेस्ट्री और स्टॉक पैलेस भी दिखाएंगे। पैलेस बहुत ही सुंदर है और व्यूज बहुत ही कलरफुल। और ये जो अपर फ्लोर जो आप राइट साइड में देख रहे हैं वो ओल्ड किंग पैलेस है। और अभी हम सब पैलेस को अलविदा कहते हुए यहाँ से खूबसूरती एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे रिंचिन जेंगपो जो कि महागुरु हैं उनका 20 मीटर का एक स्टैचू भी अभी तैयार हो रहा है जो कि पॉसिबली जब हम नेक्स्ट टाइम विजिट करें और आप लोग नेक्स्ट टाइम विजिट करें तो आपको यहाँ पे तैयार मिलेगा। होपफुली आपने वीडियो एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। हैव ए गुड डे।